दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस जेनेटिक डिसऑर्डर एंड द टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इन दिस लेक्चर. सो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट मेंडल्स वर्क, अगर हम मेंडल के वर्क की बात करें तो उन्होंने तो पी प्लांट पे काम किया था एंड उसका लाइफ स्पैन बड़ा छोटा है एंड दैट इज ईजी टू ग्रो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस ऑर्गेनिज्म पे हम काम कर रहे हैं तो उसकी स्टडी कितने समय में पूरी हो जाती है और कितना डिफिकल्ट या इजी वो रहता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, सो ऐसी स्टडी ह्यूमंस के केस में तो पॉसिबल नहीं है कि हम अलग अलग क्रॉसेस करवाएं अलग अलग करेक्टर्स के लिए, है ना. सो इस लिए जो ट्रेट्स या करेक्टर्स का जब भी एनालिसिस करना होता है तो वी हैव टू स्टडी द करेक्टर इन जनरेशन सेवरल जनरेशन इन अ फैमिली इन अ फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री. तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं किसी भी करेक्टर या ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है. सो इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट और करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री. तो फैमिली ट्री के फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन जेनेटिक्स, अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें बेटा, तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे हमें इनहेरिटेड ट्रेट्स और करेक्टर्स के बारे में पता लगता है, या कोई एबनॉर्मेलिटी है तो डिजीज है तो उसके बारे में हमें पता लगता है. तो चलिए देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या सिंबल्स हैं और कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं. तो देखिए, दिस स्क्वेयर शेप स्ट्रक्चर इज फॉर मेल, दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज फॉर फीमेल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड, दैट इज नॉट नाइदर मेल और फीमेल. और ये जो रेड कलर से दिखा रखे इफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब डिजीज इंडिविजुअल होंगे जिनको डिजीज कंडीशन होगी. एंड अगर मेल एंड फीमेल के बीच में लाइन आपको नजर आ रही है सो इट विल रिप्रेजेंट मेटिंग. अगर टू लाइन्स विजिबल हैं तो मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, एंड इसको हम कॉन्सेंजनियस मेटिंग भी बोलते हैं. सो देखिए, अगर हमें फैमिली ट्री बनाना है सो इफ़ दीज आर पेरेंट्स, अगर ये पेरेंट्स हैं तो उनके चिल्ड्रन को हम ऐसे, नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मेल और फीमेल का जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड है तो उसको हम कलर्ड तरीके से, या अगर हम खुद बना रहे हैं तो हम इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. ऐसा, ठीक है. एंड दिस इज अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. तो ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए बेटा. सो अगर हम बात करें बेटा कि किस तरीके से ये एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, सो एज वी हैव स्टडीड कि म्यूटेशन, आपने अभी पढ़ा लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में, कि म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन डीएनए. ठीक है, डीएनए के अंदर सडन चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. ऐसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट ईच एंड एवरी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए ऑन द क्रोमोसोम, है ना. आपको पता है कि सभी जीन्स को कौन, सभी कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? कोई ना कोई जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं. एंड यू नो डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट ट्रांसमिट और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट एन चेंज एंड अल्ट्रेशन. लेकिन अगर कभी कभी उसमें चेंज हो जाते हैं या कोई अल्ट्रेशन हो जाती है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. और ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी ऐसी म्यूटेशन देखने को मिलती है जो क्रोमोजोम लेवल्स पे होती है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जनरली टू टाइप्स में हम पढ़ेंगे. एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जिनको मेंडल ने के काम से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करें दे आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. अगर एक जीन में कुछ चेंज हुआ है, कुछ म्यूटेशन हुई है, सडन चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से ये डिजीज आ सकते हैं एंड दिस कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है. सो इस तरीके से मेंडेलियन डिसऑर्डर को वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. फैमिली चार्ट बना के, फैमिली ट्री बना के हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं. कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिनाइलकेटोनूरिया, थैलेसीमिया. सो इट ऑल आर डिफरेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर. आप ये मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? रिसेसिव भी हो सकते हैं. पेडिग्री एनालिसिस से वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड द ट्रेट कि कौन सी ट्रेट जो है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये हमें पता लग जाता है. और कुछ जीन से बेटा जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से, जैसे हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, सो दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी. ठीक है, जैसे आपने क्वीन विक्टोरिया का भी केस पढ़ा होगा और अभी हम पढ़ेंगे भी कि कैसे उसके डिसेंडेंट्स को हीमोफीलिया जो है हो गया था. सो हेयर यू कैन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. आप देखिए तो यहाँ पे पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं और नेक्स्ट जनरेशन में चिल्ड्रन भी अफेक्टेड है विदाउट स्किपिंग एनी जनरेशन. सो ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर
ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का ट्री। और यहाँ आप देखें बेटा, पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड लेकिन द ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड। तो यहाँ पे ये जो ट्रेट है बेटा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव का आप इसको जो है आइडेंटिफाइंग फीचर मान सकते हैं। चलिए वन बाय वन कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया बेटा, इसमें ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, क्लोटिंग नहीं हो पाती है नॉर्मली। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज भी इसको बोलते हैं। एंड क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को ये डिजीज़ थी और उनके डिसेंडेंट्स को भी ये डिजीज़ थी, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी इसको बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। कैसे है सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। एंड इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन है बेटा, दैट कास्केड ऑफ प्रोटीन का मतलब है एक से दूसरा बन रहा है, दूसरे से तीसरा बन रहा है, इस तरह से दिस इज कास्केड पाथवे। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कास्केड प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ठीक है, ड्यू टू दिस द अफेक्टेड इंडिविजुअल इवन अ सिंगल कट, अगर कोई सिंगल भी कट हो जाता है तो छोटा सा कट भी लगता है तो आपको पता है 5 to 10 minutes में क्लोटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। सो हमेशा जब भी ये डिजीज ट्रांसफर होगा बेटा, इट विल ट्रांसफर थ्रू अ कैरियर फीमेल टू डिजीज टू सन। ठीक है, फीमेल्स कैरियर फीमेल से ही हमेशा मेल को ये ट्रांसफर होता है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। फीमेल ज़्यादातर कैरियर होती है, इसमें फीमेल जो है क्योंकि उसके पास 2x अवेलेबल है ना, 2x क्रोमोसोम अवेलेबल है, तो 1x पे अगर 1x अफेक्टेड है तो दैट विल बी कैरियर होगी। और ये कंडीशन के दोनों ही एक्स अफेक्टेड हो जाए तो ये कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। द फैमिली ट्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, तो शी इज कैरियर ऑफ द डिजीज, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सिकल सेल एनीमिया। देखिए नॉर्मली हमारी आरबीसी की शेप ये है, यहाँ पर जो आपको विजिबल है, ठीक है, सर्कुलर शेप या बाइकनकेव शेप आप कहें, लेकिन ये सिकल शेप हो जाती है। कैसे हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी अच्छे से जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया जो हमारी ये सिकल शेप, हाफ मून शेप जो आरबीसी हो जाती है बेटा, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और रीजन क्या है बेटा, एक्चुअली द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील। हीमोफिलिक अगर 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 हम बात करें कि हमारा जो सिकल सेल एनीमिया है वो किस वजह से होता है बेटा, द डिफेक्ट इज कॉल्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। बीटा ग्लोबिन चेन में आपको पता है बेटा, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर 2 alpha chain आर देयर, 2 alpha chain होते हैं एंड 2 beta chains आते हैं, 2 beta chain। तो बेटा बीटा चेन में, ठीक है, 6th position पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाए, 6th position पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है बेटा, वैलिन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। दिस टाइप, इसको बेटा पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हैं क्योंकि एक ही जगह पे चेंज हुआ है। लेकिन देखिए एक जगह पे चेंज होने से भी हमारी आरबीसी की शेप में कितना यहाँ पे वेरिएशन आ गया। सो दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन, दिस इज अ केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। और यहाँ पर भी बेटा सिकल सेल एनीमिया क्योंकि एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर जब दोनों ही चेन अफेक्टेड होंगी, जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी ये डिजीज जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, या एक्सप्रेस करेगी, हेट्रोजाइगस फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, सो बोथ जीन्स आर अफेक्टेड। एंड बीटा 6th position पे ऐसा क्या चेंज हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन, ऐसा क्या हुआ बेटा, वहाँ पे कोडोन में चेंज हुआ था, पहले कोडोन था GAG, अब क्या हो गया GUG। तो देखिए एक ही जगह क्या आ गया यहाँ पे, यू। ठीक है, इस पॉइंट म्यूटेशन है, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। रीजन क्या रहेगा, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन एंड कॉजिंग इन द चेंज ऑफ आरबीसी। लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से बेटा आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, जो कि बाइकनकेव से सिकल सेल हो जाएगी, बाइकनकेव से सिकल सेल हो जाएगी। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया। बेटा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर है, ट्रेट है ये भी।
यहाँ पे क्या होता है बेटा, वन एंजाइम इज डेफिशिएंट हियर, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, द इंडिविजुअल लैक, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम ही होता है? जो एंजाइम फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, कौन सा एंजाइम बेटा? द एंजाइम इज द एंजाइम इज हाइड्रोक्सिलेज आई थिंक, फिनाइल फिनाइल एनालिन से टायर दैट इज सो इससे होगा क्या बेटा? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज कुछ एंजाइम का नाम है, शायद मैं आपको देख के बताती हूँ अभी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा बेटा, जब ये एंजाइम फिनाइल एनालिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज आई थिंक एंजाइम का नेम है, तो फिनाइल एनालिन अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं, तो वैसे तो दोनों ही एरोमेटिक अमीनो एसिड है, फिनाइल एनालिन अगर टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, सो फिनाइल एनालिन विल बी एक्युमुलेटेड इन अवर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में एक्युमुलेट होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और इससे हमारा जो है यूरिन के अंदर भी जो है फिनाइल एनालिन आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी नॉट एब्जॉर्ब बाय किडनी, किडनी एब्जॉर्ब नहीं करेगी फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेशन, दैट इज द एंजाइम। चलिए, अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने बात की, अब हम बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। देखिए, सबसे पहले आप देखिए बेटा, ये जो आपको क्रोमोसोम्स का एक चार्ट गिवन है, जहाँ पे हम क्रोमोसोम की पूरे स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं, साइज की स्टडी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, सो बेटा क्रोमोसोम्स क्या है? आपको पता है नॉर्मल कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। तो 46 से अगर कम हो जाए, ठीक है, अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कंडीशन हो सकती है बेटा कम या ज़्यादा होना, कम हो गया या लॉस हो गया क्रोमोसोम का, 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, अगर उसका लॉस हो गया या गेन हो गया, लॉस या फिर गेन, तो इट इज विल बी द केस ऑफ एनीप्लॉयडी। क्या होगा? एनीप्लॉयडी। एंड अगर ज़्यादा हो गए 46 से, देखिए यहाँ पे तो केस होगा 45, यहाँ पे 47 या जो भी हो गया, ज़्यादा हो गया है ना, 47 48 कुछ भी ज़्यादा हो गया, तो इसको कहेंगे हम पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एंड द वर्ड यूज हेयर फॉर एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी अगर किसी क्रोमोजोम की आ जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम, अगर किसी भी क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या यूज करते हैं? ट्राइसोमी। तो देखिए बेटा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ डिजीज दैट इज डाउन सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम है बेटा जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की, 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, तो डाउन सिंड्रोम होगा बेटा। द साइंटिस्ट डाउन जो थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसलिए इसको टर्नर सॉरी इसको डाउन सिंड्रोम भी हम बोलते हैं। तो 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी डाउन सिंड्रोम में आ गई, तो उस केस में क्या क्या करेक्टर्स होंगे बेटा? देखिए डाउन सिंड्रोम के अंदर देर विल बी फ्लैट बैक ऑफ द हेड, हेड कैसा होगा? फ्लैट बैक होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, एंड देर मे बी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे लूप्स होंगे, पाम छोटा होगा, ठीक है, टंग कैसी होगी? बिंग और रिंकल्ड होगी, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी उसको होगी बाय बर्थ, ठीक है, तो ये सारे डाउन सिंड्रोम के करेक्टर्स यहाँ पर गिवन है। अगर क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाए, तो मैंने आपको बताया बेटा पॉलीप्लॉयडी हो जाती है, ठीक है। अब क्रोमोसोम अगर टोटल क्रोमोसोम आपको पता है 46 है, 23 पेयर है, ठीक है, इसमें से 22 पेयर तो ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मल मेल के अंदर आपको पता है, नॉर्मली मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर कौन से होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इनमें से किसी के भी अगर डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, या ज़्यादा हो गया, ट्राइसोमी मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, या इसको मोनोसोमी भी बोल सकते हैं, तो देर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज लाइक डाउन टर्नर फ्लीन फिल्टर, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम की जैसे मैंने बात की कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम, तो लैंगडन डाउन थे 1866 में इन्होंने डिस्कवर किया था, और मैंने आपको करेक्टर्स बताए कि क्या करेक्टर यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में। तो वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम लीड्स टू टोटल क्रोमोसोम 47। लीन फिल्टर सिंड्रोम की बात करते बेटा, यहाँ पे टोटल 47 क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी? वन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, देखिए नॉर्मली मेल के अंदर एक एक्स है, एक वाई है, यहाँ पे दो एक्स अवेलेबल होंगे और एक वाई होगा। सो ऐसा इंडिविजुअल कैसा होगा बेटा? ओवरऑल तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एक्स वाई तो है ही ना यहाँ पर, लेकिन फीमेल लाइक करेक्टर भी होंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड द कंडीशन ऑफ फीमेल लाइक करेक्टर इन मेल, द कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन ऐसी फीमेल या ऐसा इंडिविजुअल स्टिराइल होगा, दैट इज नॉट फर्टाइल,
टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं बेटा, टर्नर सिंड्रोम में वन वन क्रोमोजोम इज लेस हेयर, तो टोटल 45 क्रोमोजोम विल बी देयर, एक्स जीरो कंडीशन विल बी देयर, नो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स, नो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई। ऐसी जो फीमेल होगी जहाँ पे एक एक्स मिसिंग है, ऐसी फीमेल्स भी स्टराइल होंगी, ओबरी रूडिमेंट्री होंगी, नॉन फंक्शनल होगी, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी लैकिंग होंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, सो आज हमने डिस्कस किया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, गुड बाय एवरीवन।